सो हेलो वेलकम बैक गाइज। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया, मतलब अभी गेस्ट आईडी वालों ने यार इतना परेशान करके रखा है ना सभी को, मतलब इतने लोगों ने गेस्ट आईडी बना लिए जो उनकी मेन आईडी जो ब्लॉक हुई थी ना गाइस, ब्लॉक मतलब आईडी बैन हो चुकी थी, जिसके कॉइन्स रिसेट हो चुके थे गाइस। तो अभी क्या हो रहा है, अभी जो गेस्ट आईडी है तो बहुत देखने को मिल रही है कैरम पूल के अंदर, और आज ही मैं उस वीडियो में बात करने वाला हूँ गेस्ट आईडी पे। मतलब इतने सारे गेस्ट आईडी वाले हैक यूज़ कर रहे हैं ना, क्या ही बोलूँ। तो बहुत से लोग समझ रहे हैं गेस्ट आईडी बैन होंगी या नहीं होने वाली है, तो आज की वीडियो में बात होने वाली है वो, ठीक है। और बहुत से हैकर मिलते हैं मुझे आई टू प्लेयर इस वीडियो में, तो आप लोगों ने एंटर बने रहना क्योंकि मज़ा आने वाला आप लोगों को वीडियो देख के। और बहुत से लोग जो नहीं है परेशान है अभी ये गेस्ट आईडी वालों से, बंदों से, ठीक है ना। मतलब बहुत गेस्ट आईडी बन चुके हैं अभी कैरमपुल के अंदर, अब देखते हैं भी अब इनको क्या करना है, क्या कर सकते हैं आप, ठीक है ना गाइस। तो चलो मैं वैसे तुम निकल के बात कर ही लेंगे हम गेस्ट आईडी वालों के लेकर। तो यहाँ पे देखिए भाई गेस्ट आईडी वाले कितने मिलेंगे अपन को इस वीडियो में, और गेस्ट आईडी तो बैन होने वाली गाइस, ठीक है ना। थोड़ा सा वेट करो, गेस्ट आईडी भी बैन करवाएंगे अपन बहुत जल्द। और यहाँ पे गाइस ये पहला गेम प्ले तो मैं इजिली विन कर लेता हूँ, कैरियर गैलरी में लग चुका था गेम मेरा, मैं लगाना नहीं चाहता था फिर भी लग चुका था यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला बंदा मिलता था मैं गेस्ट आईडी वाला, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप भी बताने वाला हूँ आप लोगों को मैं, पहले तो मैं इस गेम को फिनिश करूँगा, उसके बाद आप लोग जो दिखाने वाला हूँ ना गाइस वो देख के आप लोग पागल हो जाओगे। मतलब इतने गंदे स्टैगर लेके आके वो गेम फिनिश करके जा रहे हैं ना, क्या ही बोलूँ। तो चलो इस गेम को फिनिश करता हूँ, फिर इसके बाद दिखाता हूँ आप लोगों को गेस्ट आईडी वालों के जो कहाँ नाम है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे इस गेम को फिनिश करता हूँ पहले मैं। और यहाँ पे देखो पहले तो टॉप फ्लिप में इसको खेल लेता हूँ मैं, क्योंकि कुछ कॉइन्स श्योर नहीं है मुझे, तो मैं सोच रहा था इससे कुछ कॉइन्स श्योर हो जाए, पर यहाँ पे थोड़े से कॉइन्स फिर भी ब्लॉक है मेरे। यहाँ पे इस वाले शॉट को खेलते हुए कुछ कॉइन निकल जाएंगे शायद, फिर भी यहाँ निकलते नहीं है अपने। यहाँ पे गाइस अभी एक कॉइन है मेरे पास ये वाली जो बहुत काम में आने वाली, तो मैं टॉप फ्लिप में इसको मारूंगा, जिसकी मदद से भाई दो कॉइन निकल जाते हैं, मतलब पूरा बोल्ड श्योर हो जाता है अभी और बंदे भाग जाता है। तो चलो गाइस ये गेम तो इजीली विन कर लेता हूं बिना टाइम वेस्ट करे मैं। यहाँ पे देखो बंदा, पहला बंदा देखो आप लोग, ये देखो किस तरह से, मतलब यार ये कौन सा स्टैगर ले रहा है, ब्लेज स्टैगर अपना, ठीक है ना। ब्लेज स्टैगर से भाई ये गेम प्ले कर रहा है, और यहाँ पे देखो किस तरह से फिनिश करेगा ये। और ये स्टैगर में कुछ दम भी नहीं है, फिर भी आई टू प्लेयर के सामने भी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये स्टैगर भाई उनके लिए भाई नहीं, लेजेंड स्टैगर है, क्योंकि वो जब आई टू प्ले यूज़ करते हैं ना गाइस, उनको स्टैगर से लेना देना नहीं और पक से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ उनको स्टैगर चाहिए सिर्फ खेलने के लिए। तो यहाँ पे देखो किस तरह से अभी गेम को फिनिश करेगा। पहले तो आपको यहाँ पे देखो पहले किस तरह से स्टैगर बीच में रख के खेल रहा था, पर यहाँ पे अभी क्या कर रहा है, इधर उधर स्टैगर कर रहा है। और गाइस ये स्टैगर स्क्रॉल क्यों कर रहा है बोलो क्या, ठीक है। ये समझ रहे भाई अभी मिनी क्लिप इसको पकड़ नहीं पाएगा, जो डिट करता है ना मिनी क्लिप का जो भी सर्वर है वो पकड़ नहीं पाएगा, पर यहाँ पे उनको पता नहीं भाई मिनी क्लिप बहुत भारी कंपनी है भाई, बहुत से लोग बड़े बड़े लोग काम करते हैं उस कंपनी में। तो यहाँ पे भी कुछ भी कर लो आप, ठीक है ना, तो आप पकड़ में आने वाले हो। तो यहाँ पे देखो उसकी आई डी मतलब 7 लेवल का, इस मतलब 7 लेवल पर आई टू प्ले हैक यूज़ कर रहे हैं। अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब 7 ओनली 7 गाइस 7। अब कॉइन्स भी कितनी जल्दी इससे बना लिया हुआ आप लोग सोच नहीं सकते हो। यहाँ पे मतलब 150 के वाला अपना जो टेबल है भाई 1.5 लाख वाला वो खेल रहा है इसके ऊपर, वो भी 7 लेवल के ऊपर। और यहाँ पे चलो कोई नहीं, फिर भी यहाँ पे पहला तो गेम में लॉस कर लेता हूँ, फिर सेकंड गेम पे लगाता हूँ। सेकंड गेम पे देखो आप लोग गेस्ट आईडी पे लगा लेता हूँ और बैटल टावर पीछे, ठीक है, बैटल टावर पर फिर से मैं लगा लिया हूँ। और यहाँ पे देखो गाइस पहले तो उसने टाइम लिया, ठीक है ना, एक्टिव करने के लिए आई टू प्ले, और भाई आई टू प्ले एक्टिव भी कर लिया। और किस तरह से गेम फिनिश कर रहा है देखो आप लोग, देखो किस तरह से कॉइन स्पोर्ट कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है गेस्ट आईडी वालों ने इतना नाक में दम करके रखा है भाई, समझ में नहीं आ रहा है इतना क्यों परेशान कर रहे भाई गेस्ट आईडी वाले। और जो मेन आईडी आप लोगों को पता होगा गाइस, जो बड़े बड़े आईडी वाले हैं वो अभी दिख रहे नहीं है, मतलब समझ में नहीं आ रहा कहाँ गायब हो गए, ठीक है। बहुत से लोगों की तो आईडी बैन हो चुकी है मुझे पता है, पर अभी जो गेस्ट आईडी वाले हैं ना भाई, माँ कसम गाइस बहुत सारे आ चुके हैं यार, क्या ही बोलूँ। मतलब हर 5 गेम में 3 गेस्ट आईडी वाले मुझे मिल जाते हैं, और भाई उसमें से कुछ लोग नहीं है हैक यूज़ करते, कुछ लोग नहीं करते, और कुछ लोग यार ऐसे ऐसे हैक यूज़ कर रहे गाइस, क्या ही बोलूँ। मतलब इतनी जल्दी फिनिश करके जा रहे हैं, क्या ही बोलूँ। जो चिटू बॉक्स है वो चिटू बॉक्स भी यूज़ कर रहे हैं, एम कैरम भी यूज़ कर रहे हैं, जिसके पास एटू प्ले परचेस करने के लिए पैसे नहीं रहते भाई वो क्या कर रहे हैं भाई, एम कैरम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। एम कैरम ऐसा यूज़ कर रहे गाइस जैसे क्या समझ रहे क्या लूँ, मतलब इतने गंदे गंदे कॉइन पोर्ट करके जा रहे हैं ना गाइस, क्या है वो लोग कहीं की भी कॉइन पोर्ट कर दे रहे हैं एम कैरम वाले भी। और यहाँ पे देखो बंदा ये फेयर प्लेयर मिलता है मुझे, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था भाई 5 लेवल वाला बंदा था, ये नया बंदा था शायद ऐसा लग रहा है मुझे। और ये गेस्ट आईडी नहीं है, ये लेवल इसकी कम है, और ये 5 लेवल वाला बंदा है, और ये फेसबुक से लॉगिन होंगी या तो फिर गूगल आईडी से उसकी लॉगिन होगी ये आईडी, पर ये बंदा हैक यूज़ नहीं करता है क्योंकि ये नया बंदा है मुझे ऐसा लग रहा है। और ये बंदा देखो यहाँ पे आप लोग, ये तो मुझे आपको पता होगा जो पुराना जो क्या था अपना टेबल आया था मेडल वाला, वहाँ पर लोग नहीं कि हैकिंग यूज़ कर रहे थे, पर वो टेबल पर हैक यूज़ नहीं हो रहा था। और यहाँ पर थोड़ा सा देखते भी अभी क्या करता है बंदा, बंदा तो मेरे ख्याल से पूरा फिनिश नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी पहले आईडी है और मुझे ब्रेक भी दे देता है। और आप में से बहुत से लोग सोच रहे हो भाई मैं इतना पुराना गेम प्ले क्यों दिखा रहा हूँ, भाई क्यों दिखा रहा हूँ गाइस, क्योंकि बहुत से लोगों के जो मेन आईडी है वो बैन हो चुके हैं। और जो लोग फेसबुक से आईडी लॉगिन कर रहे हैं और अगर चाहे हैक यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये मिनी क्लिप ने के पकड़ ले रही है आईडी को। और बहुत से लोग क्या समझ रहे भाई गेस्ट आईडी वाले अभी जो गेस्ट आईडी बना रहे हैं गेम प्ले कर रहे हैं वो क्या समझ रहे भाई ये गेस्ट आईडी तो नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि किसी चीज़ से लॉगिन नहीं है,
ठीक है। अगर जब किसी ने उसको रिपोर्ट भी मारा तो थोड़ा फर्क नहीं गिरने वाला है। अगर जब मिनी क्लिप ने एक और न्यू अपडेट लेके आने वाले, वैसे गेस्ट आईडी के ऊपर, ठीक है ना, वो आपको बता देता हूँ। गेस्ट आईडी के ऊपर एक अपडेट लेके आने वाले हो, अब जो गेस्ट आईडी वो भी पकड़े जाएंगी जो भी लोग हैक यूज़ करेंगे, और वो भी आईडी नहीं कि बैन होने वाली, वो तो डायरेक्ट बैन होने वाली गाइस, परमानेंट, कॉइंस रिसेट नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट बैन होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे जो गेम है आप लोगों को देखो किस तरह से अभी सुधर चुका है। अगर जब मैं बैटल ग्राउंड में गाइस 10 गेम प्ले खेलने जा रहा हूँ ना, तो उसमें कम से कम मुझे 3 हैकर मिल रहे, ज़्यादा नहीं मिल रहे, मतलब 10 के 10 हैकर नहीं मिल रहे, सिर्फ 3 हैकर मिल रहे 10 गेम में। और ये बहुत अच्छी बात हो चुकी है भाई फेयर प्लेयर के लिए, क्योंकि भाई पहले जितना दिमाग खराब हो रहा था ना, फ्रस्ट्रेशन हो रहा था इस गेम को लेकर, अभी ये इतना नहीं रहा, और गेम खेलने में मज़ा भी आ रहा है। और जो बैटल टावर जो टेबल है उसमें कम हैकर देखने को मिल रहे हैं। अगर जब तुम सिंगापुर न्यूयॉर्क गेम प्ले खेलते हो तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली हैकर मिलने वाले हैं, क्योंकि भाई उनको वर्ल्ड टॉप करना पड़ता है लोगों को, इसलिए लोग हैक यूज़ करते हैं, उनको आईडी भी बैन हो गई, उनको परवाह नहीं, वो दूसरी आईडी लेके आ जाएंगे। वहाँ पे तो चलने वाला हैकर कौन से टेबल पे, अपने सिंगापुर टेबल और न्यूयॉर्क टेबल, ये दो टेबल लेके खतरनाक है आप लोगों के लिए खेलने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ से ज़्यादा हैकिंग यूज़ होता है, तो आप लोगों ने सिंगापुर न्यूयॉर्क तो खेलना ही नहीं है। और यहाँ पे देखो गाइस एक और गेस्ट आईडी वाला बंदा है, अब इसका गेम प्ले देखो आप लोग, मेरे ख्याल से देखो किस तरह से फिनिश करेंगे यहाँ पे। अब एक साथ दो कॉइन पोर्ट करा इसने हैट प्ले की मदद से, अब यहाँ पे फिर से गेम प्ले करने वाला है। तो मेरा यही कहना है गाइस, अगर आप लोग गेस्ट आईडी से अगर हैक यूज़ करते हो तो अभी तो 10-15 दिन आप लोगों को जो मिनी क्लिप है ना वो प्यार से खेलने देगा, ठीक है ना। गेस्ट आईडी में कितने भी कॉइन्स बना लो आप लोग, कुछ भी कर लो, तो 10-15 दिन हो गए ना गाइस, एक न्यू अपडेट आने वाला है, उसके अंदर नहीं है कि आपकी जो आईडी गेस्ट आईडी है ना वो सब के सब पकड़ में आ जाएंगे, तो आप लोग थोड़ा सा बच के रहो गाइस। आप लोग सोच रहे हो अभी मैं गेस्ट आईडी बना लूँगा, कॉइन्स बना लूँगा, दूसरी कॉइन्स में मतलब दूसरी आईडी में ट्रांसफर कर लूँगा, अगर जब दूसरी आईडी में भी आप लोग ट्रांसफर करोगे हैक की मदद से तो आपके आईडी को खतरा रहेगा, ठीक है ना। कॉइन्स अगर आप लोग सेल करते हो तो मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे जो गेस्ट वाले बंदे रहते ना वो क्या करते भाई, कॉइन्स बनाते गेस्ट आईडी में और कॉइन्स सेल करते लोगों को, और कॉइन्स सेल करते तो भाई जो लोग इनसे कॉइन्स लेते गाइस, ठीक है ना, वैसे बहुत से लोग तो फ्रॉड भी करते हैं, ऐसे लोग जो कॉइन्स वो देते लोगों को परचेस करवाते मतलब सेल करते हैं, वो वहाँ पे क्या करते भाई, उनकी आईडी भी खतरे में रहती है गेस्ट आईडी पर, जो जिसको वो सेल करते ट्रांसफर करते भाई उनकी आईडी को भी खतरे में ला लेते हैं, मिनी क्लिप के नज़र में ला लेते हैं, क्योंकि वो जो ट्रांसफर करते हैं ना गाइस वो हैक के थ्रू करते हैं, जो गेम प्ले करके नहीं डायरेक्ट वो ऐड टू प्ले यूज़ करते, डायरेक्ट गेम प्ले लगा लगा के उनको गेम दे देते, मतलब लीव मार देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करता है, मिनी क्लिप पकड़ लेता है, अभी जो भी आईडी में फास्ट कॉइन ट्रांसफर हो रहे हैं ना, तो मिनी क्लिप जब भी पकड़ लेता है, और जो मेन आईडी रहती है लोगों की वो भी आईडी नहीं खतरे में आ जाती है, और मिनी क्लिप उसको पकड़ लेता है, और मिनी क्लिप क्या करता है उसकी कॉइन रिसेट कर लेता है या फिर तो आईडी परमानेंट बैन कर लेता है। तो यहाँ पे आप लोग बच करो भाई कॉइन सेलर से, क्योंकि बहुत से लोग जो कॉइन सेलर है हैक लगा के भी आपके आईडी में कॉइन ट्रांसफर करते, तो यहाँ पे आपकी आईडी पकड़ में आ जाती है। तो गलती से भी आप लोग किसी से लोगों से भी कॉइन्स मत लो, मैं बता रहा हूँ। अगर आपको कॉइन्स लेना तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगा भाई किस तरह से आप फेयर तरीके से कॉइन्स ले सकते हो, ठीक है। जो भी लोगों का क्वेश्चन था भाई मेरे सामने, बहुत से लोग बोल रहे थे गेस्ट आईडी वाले परेशान कर रहे थे, वो तो आप लोगों का क्लियर हो चुका हूँ आज। और भाई थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि सभी की आईडी बैन होने वाली है, और यहाँ पे जो गेम था भी इसको तो विन कर लेता हूँ गाइस, बस इस वीडियो में इतना ही बताना था मुझे। तो गाइस इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी मदद मिलेगी तो यार वीडियो को जरूर लाइक कर देना, सिर्फ 500 लाइक का टारगेट रखो, और बस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कल बहुत एक अच्छा वीडियो आने वाला है आप लोगों के लिए। तो अभी के लिए चलो बाय, कल आता हूँ।